अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। और ये जो मैं शूट कर रही हूँ ये एक दिन पहले का है, क्योंकि मैंने रात में अपने ड्रेसिंग में लाइटें वगैरह लगवाई थी तो अपने हस्बैंड से, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँ आप लोगों से। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है, अब यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते के बाद जो है आ गई थी अपने रूम में, और मैंने बस बेडशीट वगैरह चेंज करी थी और कुशन्स वगैरह के ऊपर मैं कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ। और पता है आप लोगों को जैसे कि आज जश्न ईद उल मिलादुन्नबी है, हमारे आका की ये विलादत का दिन है, तो सब जगह बहुत ही ज़्यादा सब बहुत ही खुश हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसको अपने ईद से बढ़कर मना रहे हैं। और हम सबको अल्लाह पाक जो है हमारे नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरीके से हर साल हमें आका की विलादत के महीने को इसी तरीके से मनाने की और खूब खूब दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो बस यहाँ पे मैंने अपने रूम को क्लीन कर लिया था, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली थी। और आज का व्लॉग बहुत छोटा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही, क्योंकि यकीनन इबादत करनी है आज के दिन, नवाफिल पढ़ने हैं। तो बस छोटा मोटा मैंने आप लोगों के साथ जो है अपना व्लॉग शेयर किया है। और आज हमारे यहाँ मीठे में मोतिया ज़रदा बना था, क्योंकि आज ईद का दिन है हमारे लिए, तो मीठा तो लाजमी बनता है सब घरों में, और हमने भी बनाया। और ये मोतिया ज़रदा इंशाल्लाह फिर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और बस यही कहूँगी कि जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।